नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्श अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खास दिल को दहला देने वाली खबरें। तेलंगाना में 100 से अधिक लोगों ने महिला का किया अपहरण, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रविवार को नागपुर आएंगे PM मोदी, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। SC ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की एक समान उम्र तय करने की मांग पर केंद्र को भेजा नोटिस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेलंगाना में 100 से अधिक लोगों ने महिला का किया अपहरण, 16 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के आदिलाबादला में एक 24 वर्षीय महिला का उसके घर से कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के लिए कम से कम 100 लोग उसके घर में घुस गए और उसे जबरन अपने साथ ले गए। जी हां, वैशाली के रूप में पहचानी जाने वाली महिला के माता पिता के अनुसार लगभग 100 पुरुषों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और तोड़ फोड़ कर उनकी बेटी को जबरन ले गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में युवकों को महिला के परिजनों को पीटते देखा जा सकता है। तेलंगाना पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। ये घटना तेलंगाना की राजधानी के पास स्थित जिले के आदि बातला इलाके में हुई है। जी हाँ, महिला दंत चिकित्सक बताई जा रही है। राजकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश बागुनाथ के एक बयान में कहा, हत्या के प्रयास और अपहरण के आरोप में अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 घंटे के भीतर महिला को बचा लिया गया। मुख्य आरोपी नवीन रेड्डी चाय की दुकानों की एक श्रृंखला का प्रमोटर है। जी हाँ, उसने पुलिस को बताया कि वे पहले ही शादी कर चुके हैं। लड़की के माता पिता ने उसके डॉक्टर बनने की बाद अपने विचार बदल लिया। रविवार को नागपुर आएंगे PM मोदी, 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर शहर का दौरा करेंगे, जिसके मद्देनजर लगभग 4,000 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी के दौरे से पहले शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। जी हां, अधिकारियों के मुताबिक विशेष सुरक्षा समूह SPG के जवानों की मौजूदगी में पुलिस शनिवार को यात्रा मार्ग का जायजा लेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने नई दिल्ली में जारी कर बताया कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान मोदी 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। वो नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी और नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करेगी। जी हाँ, बयान के मुताबिक मोदी नागपुर में मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। ये नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करने के साथ ही नागपुर के मिहान क्षेत्र में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जी हाँ, PMO के अनुसार विदर्भ में एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। स्थानीय प्रशासन की ओर से साझा संभावित यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री रविवार सुबह 9:30 नई दिल्ली से नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर शहर के रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार गोवा खां रवाना होने से पहले मोदी दिन में शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत लगभग 4,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रित पुलिस और होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में इन पुलिस कर्मियों की सहायता करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अकेले एम्स परिसर में करीब 1,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। SC ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की एक समान उम्र तय करने की मांग पर केंद्र को भेजा नोटिस। यहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की एक समान उम्र तय करने के राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने धर्म और
पर्सनल लॉ का हवाला देकर नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का निकाह कराए जाने पर आपत्ति जताई है। जी हाँ, इस नोटिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी धर्मों और समुदाय की लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल करने की निर्देश देने की मांग की है। NCW ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर विभिन्न पर्सनल लॉ में शादी की न्यूनतम उम्र दंड प्रावधानों के अनुरूप है। जी हाँ, अन्य पर्सनल लॉ में शादी के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं के लिए 18 है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग के ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सहित कई और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर रोक लगाने की मांग करते हुए उसके लिए विस्तृत निर्देशादिश जारी करने की मांग की। इन फैसलों में पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए मुस्लिम लड़कियों की शादी उनके पीरियड्स शुरू होने के बाद कभी भी किए जाने का जायजा ठहराया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह के लिए एक सम्मान न्यूनतम आय सीमा तय करने की गुहार के साथ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 15 साल की भी मुस्लिम लड़की के विवाह को जायज बताया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2023 को होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाई कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार।